जैसे हमने स्टार्ट किया था और यहाँ की जो पिंडी के जो पिचेस यहाँ पे अराउंड 181-190 आप जेन में रखते हैं, लेकिन जिस तरह रजी और इफ्तार कह रहे थे उसके बाद मुझे लग रहा था 200 होना चाहिए, क्योंकि बस सेकंड टाइम बहुत अच्छा विकेट हो गया था, बैट्समैनों के लिए काफ़ी अच्छा बॉल आता है और पहले 10 ओवर हम डोमिनेट किया, उसके बाद मेरे ख्याल से अप टू द मार्क नहीं थे और एक अपॉर्चुनिटी जो अवेल करनी चाहिए थी तो वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट था। मलबा तो किसी पे भी नहीं डालता मैं और ना ही मेरा ये आदत था कि मैं किसी पे डाल दूँ, हमेशा आप एज अ टीम जीतते हैं और एज अ टीम हारते हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल की वजह से आप कभी मैच नहीं हारते। जी बिल्कुल, थोड़े से छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं, उसको आप देखते हैं कि कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं और कहाँ पे हमें अच्छा करना चाहिए था, वो हमें पता है और उस पर हम काम करेंगे। और जहाँ तक रही ईद की बात, मेरे ख्याल से आपको लगता है ईद की छुट्टियाँ दिन लेनी चाहिए हमें, कम 2 दिन ऑफ था और मेरे ख्याल से उसके बाद जब आए तो मेरे ख्याल से फ्रेश लड़के आए थे, वैसे 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी स्पोर्ट्समैन को और उसमें कोशिश यही होती है कि एज अ टीम आप जीतते भी हैं और एज अ टीम हारते भी हैं। हाँ कह सकते हैं वो 2 ओवर हम और अच्छा कर सकते थे, किया भी है, लेकिन हम 10 रन और कर सकते थे मेरे ख्याल से, वो जो उससे एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वजह से हम मैच हारे हैं या उसकी वजह से टोटल नीचे है। कभी कभार आपसे ऐसा ही होता है कि आप कुछ सोचते हैं, कभी कभार आपके माइंड में कुछ चल रहा होता है लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, इंसान है, गलती हो जाती है, बड़े बड़ों से होती है और इसमें ये नहीं है कि आप क्या हाँ उसमें मेरे ख्याल से जैसी हमारी बॉलिंग थी हमें और अच्छा करना चाहिए था। और फील्डिंग देखें इतनी कोई मेरे ख्याल से इस टूर्नामेंट में इतनी इंपॉर्टेंट ड्रॉप कैच, हाँ वो कह सकते हैं, मैं उसी को आ रहा था, ड्रॉप कैच देखें वो मैच को कर गया। देखें इसमें काफ़ी पॉजिटिव थिंग्स भी थी और जो हमारी पॉजिटिव उसको और पॉजिटिव करेंगे और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे हम लैक कर रहे थे उस चीज़ को और इम्प्रूव करें। और देखें टाइम कम है, 2 दिन का गैप है और उसमें एज अ प्रोफेशनल आप जितना स्विच ऑन होंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बैक टू बैक भी मैचेज हैं और ऑलमोस्ट ये टीम है, 3-4 लड़के जो हैं वो आ रहे हैं और वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी उनका कैंप लगा होता है, तो बस एक प्रैक्टिस में और उससे हम कोशिश करेंगे कि इकट्ठे बैठें और दोबारा रीबिल्ड हों और उसको कंटिन्यू करें अगली सीरीज के। देखिए इम्प्रूवमेंट की हर वक्त ज़रूरत होती है और हर टाइम आप सीखते हैं, ये नहीं कि आप कहें कि मुझे सब पता है, मुझे सब आता है। एज अ स्पोर्ट्समैन मेरे मुताबिक आप हर टाइम हर रोज़ हर दिन और हर घंटे बाद भी आप सीखते हैं, आप किसी बच्चे से भी सीखते हैं, आप किसी बड़ों से भी सीखते हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं, तो ये अमल तो जारी रहता है और इस पर मेरे ख्याल से एज अ प्रोफेशनल आप चीज़ों को देखते हैं और सारे प्रोफेशनल उनको पता है कि कहाँ पे हमने मिस्टेक की है और कहाँ कहाँ पे हम अच्छा कर सकते हैं। और यही पाकिस्तान टीम की खासियत है कि वो रीबिल्ड बहुत जल्दी होती है और उसमें हमारा जो यूनिट है वो काफ़ी अच्छा और एक दूसरे पर ट्रस्ट होता है, और जो भी मिस्टेक होती है हम एक दूसरे को बताते हैं, ये नहीं कि हम उस चीज़ को अंदर रखते हैं, हम एक दूसरे को बताते हैं कि यार हम यहाँ पे गलत हैं या वहाँ पे हम बेहतर कर सकते थे, तो ये चीज़ हमारी जो है वो काफ़ी अच्छी टीम है।